पिट का जो है शेप लेना स्टार्ट कर देगा और कितना पानी इसमें गया वो मेजर कर दोगे इस ग्रेजुएटेड स्केल से तो पता चल जाएगा बस वॉल्यूम ऑफ पिट बात समझ में आ रही तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ पिट निकालने के लिए ये एक्सकेवेटेड एक्सकवेट excavate करोगे बस सॉइल पूरा मेथड सेम है जो आपने सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में किया वैसा ही मेथड है ये भी बस इस बार पिट का वॉल्यूम निकालने के लिए आप इसमें क्या कर रहे हो इसमें ये फ्लेक्सिबल मेंब्रेन है हमारा दिस इज द फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन और इसमें क्या भर रहे हैं हम पानी इसमें क्या भर दिया है पानी क्लियर है तो प्रेशर में पानी इंसर्ट करोगे उससे क्या है हमारा ये जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना चाहिए स्पिट को भरने के लिए वो मिल जाएगा तो उससे वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिल गया वेट ऑफ एक्सकवेटेड सॉइल नाप पी लिया था आपने वेट और वॉल्यूम दोनों मिल गया आराम से गामा टी निकाल लोगे क्लियर है क्या बात समझ में आ रही है तो दिस इज द फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जो कि रबर बलून की तरह काम कर लेगा वर्ड्स वगैरह सब फील हो जाएंगे व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड दिस इज माय वाटर हियर एंड दिस इज द फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन दिस इज द रबर मेम्ब्रेन या रबर बलून बात समझ में आ रही तो एक रबर बलून बन गया इसके नीचे ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वाटर और प्लस जितना पानी लगा इसको भरने के लिए वो निकाल लिया डेट गेव मी वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन पिट वेट पता था वॉल्यूम निकाल लो ये भी फील्ड मेथड है तो हेडिंग डाल दो जल्दी से वाटर बलून मेथड इसके बारे में लिखवा देता हूँ हेडिंग डाली का सभी वाटर बलून मेथड इसके बारे में लिख लीजिए एक आध पॉइंट लिखवा देता हूं ये बना लेना बस यही डायग्राम बनाना है आपको वो वाला नहीं बनाना लिखो लाइक द सैंड रिप्लेसमेंट मेथड लाइक द सैंड रिप्लेसमेंट मेथड अ टेस्ट होल इज एक्सकवेटेड अ टेस्ट होल इज एक्सकवेटेड A test hole is excavated and the soil is carefully collected and set aside. And the soil is carefully collected, carefully collected, carefully collected and set aside. And the soil is carefully collected and set aside. सॉइल को केयरफुली कलेक्ट कर लोगे और साइड में रखोगे क्लियर और उसका वेट कर ही लोगे आप वॉल्यूम मेजर करने की जरूरत नहीं है अब बलून डेंसिटी ऑपरेटस इज अब बलून दिखाई दिया वो क्या है ऑपरेटस अ बलून डेंसिटी ऑपरेटस इज पोजिश ओवर द होल इज पोजिश Over the hole, over the hole, and instead of using sand, and instead of using, and instead of using sand to measure volume, and instead of using sand to measure volume, the calibrated कैलिबरेटेड द कैलिब्रेटेड वॉटर वैसल इज प्रेशराइज जो ये जार है उसको प्रेशराइज करोगे वॉटर वैसल इज प्रेशराइज फोर्सिंग अज प्रेशराइज फोर्सिंग अ वॉटर बलून Forcing a water membrane, forcing a water membrane, forcing the water membrane in the excavated pit into the hole. Graduation on the vessel. दिखाई दिया कैसे ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन ऑन द वेसल इज वे टू रीड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रेड आर रेड टू डिमाइन द आर रेड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एक्सकोवेटेड होल डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एक्सकोटेड the volume of excavated. होल Clear है मेरी बात प्लीज़ मैं करूँ जल्दी जल्दी जल लिख लो उसको तो इतनी सारी बातें समझ में आ गई